तो सबसे पहले आज की ताज़ा खबर, रॉय कृष्णा ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है फाइनली, और नेक्स्ट सीजन दिखेंगे ये एटीके मोहन बगान की जर्सी में। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि रूमर्स चल रहे थे कि मुंबई सिटी एफसी ने बहुत ज़्यादा पैसा ऑफर किया था रॉय कृष्णा को, पर रॉय ने चुना पैशन ओवर मनी, जो कि बहुत सही डिसीजन है। सो थैंक यू रॉय कृष्णा फॉर चूजिंग एटीके मोहन बगान। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो है कन्फर्म्ड फॉरनर्स ऑफ एटीके मोहन बगान के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे किस तरह का फॉर्मेशन हबास को यूज़ करना चाहिए एशिया में खास तौर पर। तो सबसे पहले कन्फर्म्ड फॉरनर्स के नाम ले लेते हैं एटीके मोहन बगान के लिए। तो नंबर वन पे है कार्ल मैक्यू, नंबर दो है डू गार्सिया, नंबर थ्री टेरी, नंबर फोर डेविड विलियम्स, और नंबर फाइव रॉय कृष्णा। तो ये फाइव प्लेयर्स तो कन्फर्म्ड है एटीके मोहन बगान के लिए। दो प्लेयर्स और है गाइस, हावी हर्नांडिस और जॉन जॉनसन, जिनमें से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी एक को ही एक्सटेंशन मिलेगा और दूसरा टीम से बाहर हो जाएगा, या फिर ये कहे दूसरे को टीम बाहर का रास्ता दिखा देगी और कोशिश करेगी किसी एशियन या ऑस्ट्रेलियन मूल के खिलाड़ी को साइन करने की। तो चलो वो तो फ्यूचर की बात है, जो होगा फ्यूचर में वो देखेंगे। पर एक रूमर और भी चल रहा था कि ऑस्ट्रेलियन अटैकिंग मिडफील्डर ब्रैडन इनमैन आ सकते हैं एटीके मोहन बगान में नेक्स्ट सीजन के लिए। तो इस बारे में मुझे यही कहना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने ट्रांसफर मार्केट में चेक की थी तो 43-42% थी और डिक्लाइन हो रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि ब्रैडन इनमैन आएंगे, रादर कोई बड़ा नाम आ सकता है, कोई ख़तरनाक नाम आ सकता है, क्योंकि एटीके का जिस तरह का पास्ट है साइनिंग्स के तौर पर, और अब वो मोहन बगान के साथ जुड़ गया है, तो ज़रूर एटीके मोहन बगान किसी बड़े और धाकड़ प्लेयर को ही साइन करने की कोशिश करेगी। तो अब बात करते हैं कि किस तरह का फॉर्मेशन एंटोनियो लोपेस हबास को यूज़ करना चाहिए एटीके मोहन बगान के लिए एएफसी कप में। वैसे तो एटीके मोहन बगान 3-5-2 या 3-4-3 का फॉर्मेशन भी यूज़ कर सकती है, पर एएफसी कप में पर्टिकुलरली ये फॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा रिस्की मानता हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो थोड़े से बैलेंस्ड फॉर्मेशन की ओर जाए, जो कि हो 4-4-2 का। तो फटाफट से 4-4-2 के फॉर्मेशन में प्लेयर्स को डाल देते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये मेरे ओपिनियन है, अगर आप इससे डिफ़र करते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आप किस फॉर्मेशन में एटीके मोहन बगान को खेलता हुआ देखना चाहेंगे एफसी कप में। तो फिलहाल मेरे ओपिनियन की ओर बढ़ते हैं। तो 4-4-2 के फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में अरिंदम भट्टाचार्य, राइट बैक पे प्रबीर दास, सेंटर बैक पे प्रीतम कोटल और टेरी, लेफ्ट बैक की पोजीशन पे या तो सुमित राठी या शुभाशीष बोस। मैं पर्सनली सुमित राठी को देखना चाहूँगा उस पोजीशन में, और ये देखना चाहूँगा कि कैसा वो परफॉर्म करेंगे एशियन क्लब्स के अगेंस्ट। अब आगे बढ़ते हैं मिडफील्ड की ओर। तो राइट मिडफील्डर के तौर पे खेलेंगे या तो जयेश राणे या कोमल थाटल। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एएफसी कप में कोमल थाटल को ज़रूर खिलवाना चाहूँगा, क्योंकि उनके पास स्पीड है, उनके पास ट्रिकरी है। इसलिए अब बात करेंगे लेफ़्ट मिडफील्डर की, तो माइकल सुशैराज ऑफ कोर्स। अब सेंट्रल मिडफील्ड की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे एडू गार्सिया और माइकल रेजन। वैसे मैं काल में क्यू को भी डाल सकता था एडू गार्सिया की जगह पर, गाइस एडू गार्सिया क्रिएटिव प्लेयर है और आगे जो उनके स्ट्राइकर्स होंगे उनकी मदद करेंगे एडू गार्सिया, गोल्स बनाएंगे उनके लिए, असिस्ट देंगे, थ्रू बॉल्स निकालेंगे, चांसेस क्रिएट करेंगे, इसलिए मैंने एक क्रिएटिव प्लेयर को रखा वहाँ पे एडू गार्सिया के तौर पे। अब बात करेंगे हमारे दो सेंटर फॉरवर्ड्स की, तो ऑफ कोर्स वो रॉय कृष्णा और डेविड विलियम्स ही हो सकते हैं, उनके अलावा कौन। तो इस फॉर्मेशन में गाइस एक छोटी सी ऑल्टरेशन की जा सकती है, मोहन बगान के आशुतोष मेहता प्रबीर दास की जगह ले ले राइट बैक की पोजीशन पे, और प्रबीर दास को हबास आगे प्रमोट कर दे राइट मिडफील्डर की पोजीशन पे, क्योंकि गाइस हमने देखा है प्रबीर दास कितना अच्छा खेलते हैं जब वे बॉल लेके आगे बढ़ते हैं और अपनी विंग बैक वाली पोजीशन छोड़ के एक विंगर वाली पोजीशन में पहुंच जाते हैं, वहाँ से वे बहुत ज़्यादा अच्छे क्रॉसेस करते हैं और उनका एक कॉम्बिनेशन बन गया है विलियम्स और कृष्णा के साथ, जहाँ पे वे क्रॉस देते हैं और विलियम्स और कृष्णा स्कोर करते हैं। तो हम बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होंगे अगर हबास प्रबीर दास को प्रमोशन दे और उन्हें यूज़ करे राइट मिडफील्ड में रादर देन राइट बैक की पोजीशन पे, और राइट बैक पे वे आशुतोष मेहता को लगा दे। तो ये भी एक ऑल्टरेशन हो सकता है और वो एटीके के हित में होगा, क्योंकि प्रबीर दास के पास भी स्पीड है, अच्छे क्रॉसेस देते हैं, ट्रिकरी भी है,
और एक दो प्लेयर्स को बीट करने का जज्बा भी है उनके अंदर। तो गाइस ये था फॉर्मेशन जो मैं चाहूँगा कि एंटोनियो लोपेस अब्बास यूज़ करे AFC कप में। तो गाइस दैट्स इट विद द वीडियो, गुड बाय, पीस आउट।